अदाई हवाई अड्डे में मंगलवार को प्रधानमंत्री की रैली को लेकर वाहनों का भी रूट चार्ज तैयार कर आदेश जारी कर दिया गया है। एसडीएम पूर्वी कुंदन कुमार ने ट्रैफिक अधिकारियों और प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों को रूट चार्ज के बारे में बताते हुए हर हाल में अनुपालन करने को कहा गया। अनुमंडल अधिकारी ने बताया कि पटना एवं छपरा से रेवा रोड होकर मुजफ्फरपुर जाने वाली गाड़ी को मानिकपुर व सरैया से होते हुए पारू मोतीपुर के रास्ते फोरलैन होकर मुजफ्फरपुर की ओर डाइवर्ट करना है। छूटे हुए वाहनों को मड़वंद के से काटी मार्ग व मड़वंद से तुर्की वाले मार्ग से होते हुए शहर की ओर डाइवर्ट करना है। मोटरसाइकिल को भी प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है। वहीं भगवानपुर चौक से रेवा रोड की ओर आने वाली गाड़ी को पूरी तरह रोक दिया गया है। बीबीगंज से भामाशाह द्वारा होकर आने वाली गाड़ी को भी पुलिसकर्मी के द्वारा प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। सभी जगह पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस जवान को मुस्तैद होकर नियम पालन करने को कहा गया। वहीं रैली में भाग लेने वाले गाड़ियों को सरैया और वैशाली से आने वाली गाड़ियों को मंसूरपुर चमरौआ के पास सड़क के दोनों ओर व भगवानपुर की ओर से आने वाली गाड़ियों को लहलादपुर में पार्किंग व्यवस्था की गई है। केवल वीआईपी और वीवीआईपी के वाहनों को परिसर तक प्रवेश दिया जाएगा। पिंक कलर की बिल्डिंग है, वो हमारा नियंत्रण कक्ष रहेगा। साथ ही हेलीकॉप्टर से जो पायलट होंगे उनके लिए भी रेस्ट का एरिया वही रहेगा। महिलाओं के लिए प्रसादन के लिए प्रसादन की व्यवस्था, खासकर महिला पदाधिकारियों के लिए और कर्मियों के लिए जो ड्यूटी में डिप्लॉयड, उनके लिए प्रसादन की व्यवस्था वहीं पर रहेगी। जो भी वहां पर डिप्लॉयड, संजीव कुमार, राजेश्वर प्रसाद, श्रीमती रश्मि, तीन बंधु, नीरू कुमारी, आप सबको वहीं पर रहना नियंत्रण कक्ष में। नियंत्रण कक्ष में जो फोन रहेगा वहां पर अगर कोई भी किसी प्रकार की सूचना प्राप्त होती है तो आप लोगों के पास ऑल रिक्वायर्ड फोन नंबर रिसोर्स आपके पास पूरी तरीके से रहना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की कंटिजेंसी में नियंत्रण आपके माध्यम से किया जा सके।